हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हेल्दी ईटिंग की और सोच, मतलब आप इसी तरह आपने अपना वजन कम किया कि आप बहुत समझदारी से खा रहे हैं। सबसे वजन कम करने से पहले अपनी डिप्रेशन खत्म की। हाँ, इसलिए डिप्रेशन खत्म करने के लिए क्या किया? वही लोगों को हमारे यहाँ जो है वो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर डिप्रेशन हो रहा, नहीं नहीं ड्रामे कर रही होगी, नहीं 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 ड्रामा है ये। देखो ये हमारे यहाँ मानते ही नहीं है कि कोई डिप्रेशन भी कोई बीमारी है, डिप्रेशन भी कोई अंचर पंचर होता है हमारा ढीला। बिल्कुल, देखें जो अल्लाह मियाँ ने एक हमें जो पूरा सिस्टम हमारा बनाया है, राइट, अगर आप देखो तो ये जो हमें बॉडी दी गई है इस दुनिया के लिए दी गई है, राइट, देयर इज अ सोल। ओके, अब आपका जो दिमाग है वो आपके पूरे सिस्टम को चला रहा है, इट्स लाइक एन इंजन जो आपके पूरे सिस्टम को चलाता है। हाँ, अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी हर सोच जो है ना, हाँ, उसकी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हाँ, MRI पे उन्होंने ये देखा है। हाँ, तो ऑब्वियसली आपका जो दिमाग, अगर आपके इमोशनली आप ठीक नहीं हैं तो डिप्रेशन में तो आप जाएंगे। इसे कि डिप्रेशन कब होती है, जब आपके केमिकल्स, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बॉडी वो एक्चुअल डिप्रेशन में चली जाती है, सिंक नहीं करती, नहीं करती है। दिमाग और बॉडी आपस में सिंक नहीं होती है, नहीं होता है ना, बिल्कुल। इसे कि आपकी सोचें कहीं और जा रही हैं। अब आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो सोच जो है वो एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कल अगर मेरी लड़ाई हुई हो लेट से मेरी बहन से, अब उसके बारे में मुझे अफेक्ट हुआ है, मेरे सोच ने, मेरी उस एक्शन ने, मेरे कोर्टिसोल लेवल्स जो कि स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, इसलिए कि इंसान बना है फ्राइट एंड फ्लाइट के लिए, मीनिंग कि हमारी बॉडी ऐसी बनी है, इंस्टिंक्टिवली हम बने हैं, हमें को डर लगता है या हमें स्ट्रेस होता है तो हमें भागने की, वो हमें बनाया हुआ है ना, फ्राइट एंड फ्लाइट। के पुराने जमाने मीनिंग सेंचुरीज अगो जब जंगलों में रहते थे तो ये हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है। अच्छा। कि किसी चीज़ से हम डरते हैं तो हम भागते हैं। हाँ। तो वो बॉडी उस तरह हमारी रिएक्ट करती है, केमिकली डॉक्टर आपको बताएगा कैसे आपकी उस तरह रिएक्ट करती है। तो जब हम लड़ाई भी करते हैं तो हमारी बॉडी में वही हो रहा है, तो आपके केमिकल्स, आपके हॉर्मोन्स वो बढ़ते हैं जो स्ट्रेस लेवल करते हैं, कोर्टिसोल लेवल्स हो जाते हैं और आपकी बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरे दिन अगर मैं उसके बारे में सिर्फ सोचूं, उस इवेंट के बारे में कि मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा या मैंने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, मेरी बॉडी को नहीं पता कि वो इवेंट दोबारा नहीं हो रहा, उसको सिर्फ मेरी सोच का पता है। तो वो ही करेगा जो मुझे थप्पड़ पड़ा था या मैंने थप्पड़ मारा था, तो वही केमिकल्स, वही गम वो दोबारा से करेगा। हाँ। और वो स्ट्रेस करते करते अगर रोज मैं उसके बारे में सोचती रही, मेरी बॉडी को लग रहा है कि वो रोज मुझे मार पिट रही है। हाँ। रोज मैं मार खा रही हूँ या मैं रोज किसी को मार रही हूँ। अरे बाप रे। तो क्या हो रहा है, मेरा मेंटली, मेरे केमिकल्स जो हैं, मेरे तो स्ट्रेस लेवल्स और मेरे तो वो केमिकल्स ही वो बढ़ते गए। अब मेरी बॉडी को उसकी आदत हो गई है। एक बात बताइए, तो हम बड़ों की बात करें, बच्चों को भी सैडनेस, डिप्रेशन, बच्चों को भी होती है फीलिंग, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन हमें ये रिकॉग्नाइज करने नहीं आती, बिकॉज वी आर सो, हम इतने बिजी हो गए अपनी जिंदगी के बारे में कि हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं, और हमें किसी ने सिखाया भी नहीं है। स्कूल में थोड़ी हमने सोचा कि हमारी सोचों के बारे में क्या है। इसलिए अगर आप कुरान पढ़ो या आप सब कुछ करो, योर सोच इज एवरीथिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।